नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। देखिए, आपकी जो हिंदी की प्रैक्टिस लगातार चली जा रही है, उसी प्रैक्टिस में आपके सामने आते हैं कुछ जो हमारे कहते हैं शब्दांश या शब्दावली है, जो आपकी यूपी पुलिस के लिए या एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी शब्दावली। उसी क्रम में आप देखेंगे कुछ प्रैक्टिस किसकी, विलोम शब्दों की, जो आपकी यूपी पुलिस के लिए और साथ ही साथ एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देने वाली है। इसी क्रम में आज हम करेंगे अपने विलोम शब्द के टॉप 30 क्वेश्चंस को, विलोम शब्द के टॉप 30 क्वेश्चंस को, और देखेंगे कि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं जो विलोम शब्द में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में हम देखेंगे अब की बार और यूपी और साथ ही साथ एसएससी जीडी पार, देखते हैं जरा चलते हैं क्रम में क्या है हमारे सामने विलोम शब्द की प्रैक्टिस। इसी क्रम में हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम नहीं है, कहने का मतलब कौन सा इसमें से मिसमैच है। तो आता है सामने आपके स्थावर जंगम, और वहीं आता है नेक्स्ट आपका, देखेंगे सभी, नेक्स्ट आता है विस्तीर्ण उत्कीर्ण उन्मूलन रोपण, और साथ ही साथ आता है तेजस्वी और निस्तेज, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए जंगम स्थावर बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट बात करूं मैं विस्तीर्ण और उत्कीर्ण की, देखिए विस्तीर्ण का मतलब होता है विस्तृत या विस्तार में, जिसका आंसर होता है आपका संक्षिप्त, क्या होता है संक्षिप्त, याद रखेंगे सभी। तो इसमें क्या हो जाता है, ये उत्कीर्ण नहीं होता, इसका मतलब यही इसका मिसमैच है और यही इसका आंसर है। उन्मूलन और रोपण ये सही आंसर है, साथ में कहता है तेजस्वी और निस्तेज ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गरल, गरल का क्या होगा विलोम शब्द, तो आप सभी याद रखें गरल का विलोम शब्द होगा आपका सुधा, क्या होगा भाई सुधा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म कौन सा है, कौन सा गलत है इसमें से, ध्यान देंगे सभी। क्या कहता है गौरव लांगव बिल्कुल सही है, फिर कहता है न्यून और कम, बस यही आकर दिक्कत हुई हमारे साथ, न्यून और कम, देखेंगे सभी। न्यून का मतलब ही क्या होता है कम, और जिसका विलोम शब्द होता है क्या अधिक, क्या होता है इसका विलोम शब्द अधिक, याद रखेंगे सभी, इसका आंसर होगा अधिक। तो यही क्या हो जाता है हमारा मिसमैच, और यही आपका आंसर है। स्थूल का है कृष का है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका यस, जिसका आंसर होता है कीर्ति, याद रखेंगे सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा, अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा, आप सभी को दिख गया होगा जिसका आंसर होगा आपका सी, क्या अन अध्यवसाय, क्या होगा अन अध्यवसाय, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, और देखिए शुष्क का मतलब क्या होता है, शुष्क का मतलब होता है कहते हैं एक तरीके से बिल्कुल ड्राई, ड्राई जो होता है हमारा शुष्क होता है, और इसी का क्या हो जाता है हमारा आद्र या नम, क्या बोल देंगे आद्र या नम, इसका होगा विलोम शब्द नम, याद रखेंगे सभी शुष्क का विलोम शब्द। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6, ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है भाई कर्ज, क्या होता है इसका मतलब कर्ज, और इसका विलोम शब्द होता है आपका ऋण, क्या होता है भाई ऋण, याद रखेंगे क्या होता है ऋण का विलोम शब्द ऋण, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट देखेंगे, इसी क्रम में आपकी इसी तरीके से ना आपके पर्यायवाची या जो भी शब्दावली होगी आपके सामने आएगी, इसी प्रैक्टिस के साथ लगातार हम जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे वो आपके सामने आएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगी तो जस्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और वहीं से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगला विलोम शब्द कहता है हमसे अभिहित का विलोम शब्द क्या होगा, अनविहित, अभिलाषित, अनविव्यक्त या साथ साथ अनभ्यस्त, तो क्या होगा भाई अनविहित, क्या होगा अनविहित, इसका विलोम शब्द होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जरा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आचार का विलोम शब्द क्या होगा, आचार का विलोम शब्द होगा आपका अनाचार, क्या अनाचार नहीं अनाचार, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, यहां संधि हुई है ना, तो क्या हो जाएगा अनाचार। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है कि निम्न में से कौन, निम्न में से क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए क्षणिक का मतलब होता है पल भर, क्या होता है पल भर के लिए, कोई भी घटना हो जो बिल्कुल ही एक बहुत ही कम समय के लिए हुई हो या पल भर के लिए हुई हो, वही होती है आपकी पल भर के लिए, तो इसी में क्या हो जाता है आपका जो सदा के लिए रहे या लंबे समय तक के लिए, उसे कहते हैं हम क्या शाश्वत, क्या बोलते हैं शाश्वत, तो क्या हो जाएगा आपका क्षणिक का शाश्वत, है ना, याद रखेंगे सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुरुक्ति, क्या बोला अनुरुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे सभी अनुरुक्ति का विलोम शब्द होगा आपका विरक्ति, क्या होगा अनुरुक्ति का विलोम शब्द विरक्ति, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए निम्नलिखित में से
विलोम शब्दों का सही युग्म है, मतलब सही जोड़ा या सही पेयर कौन सा है, देखेंगे ध्यान से। अभेद्य और दुर्भेद्य, बिल्कुल सही है। अगला कहता है आपसे एकांत और छीण, बिल्कुल कि एकांत होता है और एक होता है भीड़ वाला एरिया, वही छीण आपका। मुक्ति और मोक्ष, सही है। नेक्स्ट आता आपके सामने बहुता और यदा कदा। देखिए इसमें सही पूछा है तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एकदम से गलत हो गए, क्योंकि एकांत और छीण का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल एकांत वाला हिस्सा, बिल्कुल खाली। मुक्ति और मोक्ष दोनों ही एक होते हैं, वही अभेद्य और दुर्भेद्य दोनों के दोनों वही है। आता है क्या, बहुता और यदा कदा। बहुता का मतलब होता है कहने के तरीके से बार बार, है ना, बार बार। और वही यदा कदा का मतलब होता है कभी कभी, है ना भाई। यदा कदा का मतलब क्या होता है, कभी कभी, ठीक है। तो याद रखेंगे यदा कदा का मतलब होता है कभी कभी और बहुता का मतलब होता है बार बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारे सामने, देखेंगे सभी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उपत्यक्ता, क्या उपत्यक्ता का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए ये तो आपका जो है ये आपका उपत्यका, ये होता है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, या कह दू पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं उपत्यका। वही इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पर्वत घाटी आदित्यका या विसर्जन। तो जैसे हमसे जिस शब्द पूछा उसी में देखेंगे, तो घाटी का मतलब होता है ढाल या ढलाव, लेकिन अधिपत्यका या आदित्यका का मतलब क्या होता है, उस पर्वत का सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा, है ना भाई। याद रखेंगे सभी इसका मतलब क्या होता है, पर्वत का सबसे निचला हिस्सा। तो ये होगा इसका विलोम शब्द, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, सदैव। सदैव का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखें सदैव का मतलब होता है हमेशा, और इसका विपरीत और विलोम शब्द होता है विरद। क्या होता है भाई, विरद, ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ध्यान दें आगे क्या आता है क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन है मृषण, मृषण का जो शब्द होगा उसका विलोम शब्द क्या बनेगा आपका, प्रतिरूप, नस्वर, ऐच्छिक या रुक्ष। तो याद रखें मृषण का आपका जो विलोम शब्द है वो होता है रुक्ष। क्या होता है, रुक्ष, याद रखेंगे इसको। अगला देखते हैं अगला क्या है हमारे क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा वही जानते हैं आप लोग, किसी की प्रशंसा करना, है ना भाई, किसी की कहते तरीके से उसकी अच्छी बातों को लेकर उसकी प्रशंसा करना। इसी का क्या हो जाता है, उसकी बुराई को लेकर कुत्सा करना, क्या करना, कुत्सा, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा आपका, कुत्सा, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका लौकिक, लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे सभी, लौकिक शब्द का विलोम शब्द होगा आपका अलौकिक। क्या होगा भाई, अलौकिक, ठीक है ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है तिरस्कार। तिरस्कार मतलब होता है किसी को क्या करना भाई, तिरस्कृत करना या उसको अपमानित करना, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उसका सत्कार करना, क्या करना, सत्कार करना या उसका सम्मान करना, है ना भाई, क्या करना, उसका सम्मान करना। तिरस्कार का विलोम शब्द होगा आपका सम्मान, याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे जरा अगला क्या है, यह है एहिक, एहिक या फिर कह देंगे इही लौकिक, ये दोनों एक ही शब्द है, इही लौकिक, एहिक या इही लौकिक, इही लौकिक, ये दोनों ही शब्द एक हैं, और जैसे ही आता है सामने तो इसका हो जाता है पारलौकिक। क्या हो जाता है भाई, पारलौकिक। इही लौकिक मतलब इस लोक का, और पारलोक मतलब दूसरे लोक की बात की जाए तो उसे कहते हैं हम पारलौकिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आता है कौन सा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का जोड़ा अशुद्ध है, क्या है ना भाई, कौन सा अशुद्ध है। तो देखिएगा ये कहता है अमृत और विष, बिल्कुल ये सही है। आगे कहता है आपसे भूत और भविष्य, ये भी सही है। मृदुल का होता है कठोर, ये भी सही है। बचा आपका क्या, भोगी और सभ्य, यही पेयर आपका गलत है, याद रखेंगे। सभ्य का विलोम शब्द होता है असभ्य, क्या होता है भाई, असभ्य, है ना। और ये क्या दिया हुआ है, भोगी नहीं होगा, क्या होगा, असभ्य, याद रखेंगे, ये पेयर गलत है। अगला देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 20, अपेक्षा, और अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान देंगे सभी, अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा, क्या होता है भाई, उपेक्षा। इस प्रकार आपकी विलोम शब्द की प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी, शब्दावली की यही करेंगे हम। देखिएगा क्या है, अनेश्वर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अनेश्वर शब्द का विलोम शब्द आप सभी के लिए रहेगा, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका है पिनाका क्वेश्चन, बता के चलेंगे सभी कि क्या इसका आंसर होगा। मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा, आपके आंसर का इंतजार भी करेंगे, ठीक है।
उन्मूलन, उन्मूलन होता काटना या उखाड़ना, कहते तरीके से कटाव या काटना, उन्मूलन करना, ठीक है। और काटने का वो क्या हो जाएगा, लगाना या रोपण करना, लगाना या कह देंगे एक तरीके से रोपण करना, उसका उसको रोपना, पौधे को रोपना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, वनारोपण और वनोन्मूलन आपने सुना होगा, ये वही है ना। आगे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 23, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, तो निषिद्ध का सीधा सीधा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई एग्जाम में देखा गया है, तो निषिद्ध का सीधा विलोम शब्द होता है आपका विहित, क्या होता है, निषिद्ध का विलोम शब्द विहित, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है आपके सामने, वही रंग, वही रंग मतलब बाहर के रंग है ना, बाहर वाले, तो अंदर के लिए क्या हो जाएगा, अतरंग, क्या हो जाएगा भाई, अतरंग, सामने आपके लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा, अतरंग, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब बिजी होना या किसी चीज में बिल्कुल से एक तरीके से रम जाना या उसमें बिजी रहना बहुत ज्यादा, तो उसका क्या हो जाएगा, किसी चीज से फ्री होना या मुक्त होना, ठीक है भाई, तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर मुक्त, ठीक है, ग्रस्त का होगा मुक्त, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला विलोम शब्द क्या होगा हमारे सामने, न्यून, न्यून का मैंने आपको भी बताया था, न्यून का मतलब होता है कम, और कम का विलोम शब्द बनेगा अधिक, और आप सभी को आंसर दिख गया होगा, क्या होगा, न्यून का मतलब आपका कम, और न्यून का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्या है 27, ये कहता है गमन, गमन मतलब जाना, और गमन हो गया जाना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आना, या सिंपल सा हो जाएगा आगमन, क्या हो जाएगा भाई, आगमन, है ना, ये तो याद करते हैं हम, गमन और आगमन, याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से एक, निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, है ना भाई, हमसे नहीं पूछा है, तो ध्यान देंगे क्या होगा, देखिए, साहसी बिल्कुल, निर्भीक का निडर, साहसिक बिल्कुल, कातर सही है, लेकिन कायर इसका क्या है, विलोम शब्द है, या कह रहा है कि विलोम शब्द नहीं है, तो ध्यान दें, इसमें से दो आपके सीधे सीधे इसके आंसर बनते हैं, साहसिक और ये, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हैं दोनों के दोनों, यहां हमसे नहीं पूछा है ना, ध्यान देंगे, इससे नहीं पूछा, तो दोनों के दोनों हमारे साहसी और साहसिक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये दोनों ही नहीं है इसके विलोम शब्द, याद रखें। 29 कहता है श्री गणेश, और श्री गणेश होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, क्या करना भाई, किसी भी कार्य का प्रारंभ करना और उसका अंत होना, किसी कार्य का अंत होना, या कहते हैं तरीके से समाप्त होना या समाप्ति, और समाप्ति को कहा जाता है उस कार्य का श्री या इति श्री होना, क्या कहता है, इति श्री होना, इसे बोलते हैं आपका इति श्री, और आपको मिल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, इति श्री, श्री गणेश का इति श्री। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट है आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आवेशित होता है चार्ज्ड, और इसका हो जाएगा अनचार्ज्ड, और इसे कहते हैं हम क्या, अनावेशित, आपने पढ़ा होगा आवेशित कर्ण, तो क्या हो जाता है, अनावेशित कर्ण। इस प्रकार आपके बहुत ही टॉप इंपोर्टेंट 30 विलोम शब्द की एक छोटी सी प्रैक्टिस आप सभी के लिए, कैसी लगी वीडियो आपको, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो और कमेंट जरूर बताएं, और जो भी आंसर आपको या जो भी क्वेश्चन आपको दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, और कैसी लगी आपको वीडियो जरूर लाइक करेंगे इसको आप, और साथ ही साथ शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली ऐसी छोटी सी एक प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।